हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, आफ्टर 3 or 4 months घर जा रही हूँ आज मैं अपने। तो और ऊपर से इतनी ठंड है, और जा भी मैं रही हूँ बाइक पे। तो आप भी देखिए हमारी जर्नी ठंड में हमारा कैसा कबूतर बनता है। बट स्टिल व्लॉग के लिए तो आपको नज़ारे दिखाते हैं, रास्ता कितना सुंदर है। वैसे तो रास्ते का तो पता नहीं, बट आसपास का मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है। तो आप भी देखो, मैं भी देखूंगी काफ़ी टाइम के बाद, वरना ऐसे बस और गाड़ी में तो जाते हैं तब तो सोने पे ही ध्यान होता है मेरा। तो आज बाइक पे, तो आप भी चलिए हमारी बाइक। मेरे भ्राता श्री से हाय, पीस। तो इस पे जा रहे हैं हम आज। लेट्स गो देन। सो वी आर रेडी टू गो। बाय बाय, साथ रहिए हमारी जर्नी के साथ। यहाँ पे अभी इसकी रूटीन चेकअप हो रही है, ताकि बीच में ये हमारा साथ ना छोड़ दे, वरना हमारा तो मुँह मुँह हो जाएगा अगर छोड़ दिया साथ में। डी टू गो। मैं तो पैक हो गई हूँ, अब चल पड़े हम। पहुंच गए हम अपने चंबा उसमें ये। तो अब हम आपको दिखाते हैं चंबा वाली रोड, जहाँ हम मतलब हमने अभी ले ली है बाया सिवता वाली रोड, क्योंकि नूरपुर वाली रोड पे कुछ काम चला था। अब देखते हैं इस रोड पे कोई काम ना चला हो, वरना हमारा तो बन जाएगा पापड़। बाइक पे इतने दूर का सफर करना बहुत मुश्किल है, मेरी पीठ टूट गई। अभी हम आए कुछ खाने या चमेरा डैम के पास। अगेन ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। टू थाउजेंड इयर्स लेटर। तो अभी हम रुके हैं कुछ खाने यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया अभी यहाँ चमेरा डैम के पास रुके हुए हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, और मेरा तो बुरा ही हाल हो गया। या एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बाइक पे टांगों का बुरा हाल हो गया। बाकी तो बढ़िया है, मस्त हवा खा रही हूँ, भैया चला रहे हैं। टाइम पे आज मेरे को बाइक सिखाई होती तो मैं आपकी हेल्प करती, मैं भी चलाती। खैर मुझे जिंदा घर पहुँचना है, वो तो खैर मैं सीखती तो अच्छी ही चलाती ना। फिर तो लग जा भाई, बेइज्जती मत करो। ओ या, चलो कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो गाइज, अभी हमने खाना खा लिया, और पीछे देखो यार बैकग्राउंड, मतलब
अपने घर जाने की जो खुशी हो रही है, और मतलब कितना सही लग रहा है ना पहाड़ और मैं पहाड़ों वाली चाय और मैगी अभी मैंने ख़त्म कर ली है। तो चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, 4 तो यहीं पे बज गए हैं, इस हिसाब से हम 7-8 बजे तक ही पहुंचेंगे। अब हम निकल पड़े हैं, अब तो बहुत ठंड हो रही है, शाम का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, पर बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं घर में। अंधेरा कहीं पर कहीं भी निपट लेंगे। ये है हमारा चमेरा डैम, जिसकी आप देख सकते हैं, और ये है मेरे ब्रदर श्री जो कि आगे चले, बाकी मैं नहीं दिख रही, हमारा नेचुरल वाटरफॉल। मतलब हर जगह ऐसे ही होते हैं, जगह जगह पे मिलेंगे। और ये हमारा चमेरा डैम, ये सब बहुत दूर है भाई, अभी ऐसे होते हैं ऊपर ये कभी भी गिर सकते हैं और नीचे हम भी गिर सकते हैं, और इतनी गहरी खाई है ना, मतलब थोड़ा रोकेंगे साइड में दिखाने दो, उधर नीचे जाके पहुंचेंगे, मोए मोए हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ नोट्स ऐसे होते हैं, ऊपर से ये अगर गिर जाए तो भी मर गए, और नीचे तो फिर यहाँ से गिरेंगे नीचे, वहाँ पे जहाँ पे ये पानी से दिख रहा है वहाँ पे पहुँचेंगे भाई साहब, कुछ नहीं बचेगा। भैया आपको धक्का दे दूँ और मैं यहाँ पे रह जाऊँगी फिर। तो कैसा लग रहा है अकेले इतना राइड करके? सर दर्द हो रही है मेरे को। जय माता दी। ये रोड कुछ ऐसी ऐसी भाई साहब, जिंदा दूर के जंगलों में कहीं आग लग चुकी है। वैसे घबराना मत, ऐसे भी रोड है, बीच बीच में आएंगे, आप आ सकते हो जिस साहब, अच्छे रोड से उतने भी खराब नहीं है। पहुंच के गाइस, पहुंच के, ये दिशा कॉलेज है ना मैम, ये जो है ये कॉलेज है, ये है हमारा मेन दिशा, बस थोड़ी दूरी बची है। वेलकम टू दिशा, फाइनली पहुंच गए गाइस, पहुंच गए। ओह बाहर तो काफी हो ब्राइटनेस है, ओके इतनी खुशी चेहरे पे, खुशी देख रहे हो, अब बस मम्मी के पास जाना, मम्मी चलो चलो चलो। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक जाओ जल्दी चलो। चलते हैं अभी, रुकने का कोई यहाँ पे मोटिव नहीं बनता है, चुपचाप मम्मी के पास पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ये है माता श्री, से हाय मॉम, हाय हाय हाय, भैया से भी मिल लो। देसी मुर्गा काटा गया हमारे आने पे,
सो अभी हमारा खाना पीना हो गया है, तो कल है हमारे घर पे एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है, तो अगला व्लॉग अब उसका आएगा। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।